इस सत्र में बेहतर परीक्षा परिणाम लाने की अभी से तैयारी प्रारंभ, इसी बात को लेकर डाइट में शिक्षकों और प्राचार्यों की बैठक संपन्न। रीवा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र में कैसे बेहतर परीक्षा परिणाम आए, इसको लेकर अभी से मंथन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले चरण में डाइट रीवा में तमाम प्राचार्यों और शिक्षकों ने आपस में मंथन किया, कैसे बेहतर परीक्षा परिणाम लाया जाए, बच्चों को कैसे परीक्षा के लिए तैयार किया जाए, उनकी पढ़ाई किस तरह से हो, जैसे उनका विकास बेहतर तरीके से हो। अलग अलग आए विचारों को एक सूत्र में पिरोकर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में एक साथ नज़र रखकर बेहतर योजना बनाई जाएगी, जिससे इस सत्र में रीवा का परीक्षा परिणाम उच्च कोटि का लाया जा सके। बेसिक दक्षताओं पे सुधार करके उन्नत दक्षताओं पर ले जाने का प्रोग्राम तय किया, उस पे आप सबकी भूमिका बराबर की। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालयों की मॉनिटरिंग की हुई? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दें। दो हाथ ऊपर हुए हैं, अब उसका कितना प्रभाव पड़ा इसको भी हम लोग देख लेंगे। गोविंदगढ़ संकुल और खजुआ संकुल, तो पहली चीज तो हमको अपने विद्यालय की चहल दीवारी से बाहर निकलना ही होगा। शासन ने माध्यमिक स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनके लिए उन विद्यालयों को मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकृत किया है, जो विद्यालय जो उनके कैचमेंट एरिया में, माने जहां के बच्चे जिस माध्यमिक शाला पे आते हैं उनको भी उसकी मॉनिटरिंग करनी है, कम से कम 4 या 5 विद्यालय की। तब बचता है संकुल प्राचार्य, तो संकुल प्राचार्य का कार्य क्षेत्र ऑलरेडी डिसाइड है।